अरे भाई ये गुरु शिखर पर्वत किधर पड़ेगा? अरे भाई वो तो पीछे रह गया। पीछे रह गया? चलो यार जाता हूँ। तो हमारा बैकग्राउंड ब्लर नहीं है, वो मौसम ऐसा है जो धुंध हो रखा है। हम पहुंच गए हैं गुरु शिखर के शिखर पे। अभी तक भैया की पुरानी आदत नहीं गई चुराने वाली, ये देखो। मानसून का टाइम है, अब कहाँ जाऊँ मैं घूमने भाई? हिमाचल चलें? नहीं यार, हिमाचल में तो बादल फट रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं। उत्तराखंड? उत्तराखंड में लैंडस्लाइड इतना हो रहा है यार, और मेरे को जाना पहाड़ों पे। कहाँ जाऊँ मैं? लेट्स गो राजस्थान। राजस्थान में सबसे अच्छी जगह जो है, यदि आप गर्मी से बचना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं माउंट आबू। हमारा सफ़र दिल्ली से शुरू हुआ। माउंट आबू सर चढ़ के बोल पड़ा है, अब कब जाएंगे हम? 650 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं, अब सिर्फ 100 किलोमीटर के अंदर का सफ़र बाकी है। लगभग हमें हो चुके हैं 12 घंटे और मज़ा बहुत आ रहा है, थक गए हैं बट गाड़ी चलाते चलाते। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। माउंट आबू आने में हमें जो टाइम लगा वो लगा लगभग 12 से 14 घंटे, हमें लगा 13-14 घंटे। यदि आप रुक के आओगे, रेस्टोरेंट में कुछ खाते पीते आओगे तो 14 घंटे आपके आराम से लग जाते हैं। माउंट आबू आने में के लिए आपको चाहिए होगा लंबा वीकेंड, सैटरडे संडे सोच रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। खुले तो है नहीं मेरे पास। माउंट आबू पहुँच गए हम, अब हम कर रहे हैं अंदर घुसने की तैयारी माउंट आबू के, और करेंगे मौज। हिमाक्षी की तबीयत ख़राब हो गई है, थोड़ी बूढ़ी हो गई है तो उल्टियाँ हो रही हैं। चलो भाई चलो, ड्राइवर साहब चलो। तो हम पहुंच चुके हैं माउंट आबू, और ये हमारी पहली सुबह है माउंट आबू में। हम कल शाम के 4:30 के आसपास यहाँ पहुँचे थे, और फिर उसके बाद हम ढूंढ रहे थे बजट होटल्स यहाँ पे हमारे स्टे के लिए माउंट आबू में। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे होटल के लिए, पूरी लाइन से दोनों तरफ रोड के साइड में होटल ही होटल हैं, रिजॉर्ट्स टाइप भी हैं, आपके बजट अकॉर्डिंग भी हैं। पर मिनिमम बजट जो है यहाँ का आप माइंड में लेकर चलना कि 1500 तो है ही है एक रूम का। तो हमारा फैमिली रूम है जो हमने लिया है वो हमें पड़ा है 2000 का। मैं होटल का नाम अभी नीचे जाके बताऊंगी, अभी हम पैकिंग कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि सब तैयार हो रहे हैं, पैकिंग चल रही है, क्योंकि यहाँ पे सुबह 9 बजे ही चेकआउट करने को बोल देते हैं। हम रुके हैं माउंट आबू के होटल जिसका नाम है होटल पारस न्यू, जिसका एक सेपरेट व्लॉग होगा जो आपको देखने को मिलेगा, तो बने रहिए। आज हमारा ऑफिशियली डे वन है, मतलब हम कल आ गए थे बट आज हमारा ऑफिशियली डे वन है, और हमने शुरुआत करी है सुबह 10 बजे माउंट आबू के सबसे फेमस प्लेस जिसका नाम है नक्की लेक। जो करते थे चक्की के चेक, आज वो आए नक्की लेक। चलो गाइस, तो अब हम पास जाने वाले हैं नक्की लेक के, वोरी झील की पहली झलक। और मौसम इतना बढ़िया हो गया ना, मॉनसून जो है ना, मेरे को ऐसा लगता है यहाँ माउंट आबू आने का या राजस्थान आने का सबसे बेस्ट समय है। लोग सर्दियों में आने को बोलते हैं, पर जो ग्रीनरी आपको एक्सपीरियंस करनी है ना, कितना ग्रीन हो जाता है ना राजस्थान। और माउंट आबू इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है, और यहाँ पर आपको जो क्राउड मिलेगा वो मिक्स मिलेगा फ्रेंड्स आ गए तो राजस्थान का, गुजरात का और दिल्ली का। मतलब दिल्ली के बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है इतना, मतलब ऑलमोस्ट 800 या 850 किलोमीटर है ये दूर दिल्ली से, तो बहुत मुश्किल होता है। गुजरात बहुत पास है तो गुजराती बहुत दिखते हैं यहाँ पे, और खाना भी मिलेगा आपको राजस्थानी काठियावाड़ी, तो वो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। और चलते हैं झील की तरफ।
यहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं वो देखो, यहाँ पे दूध मिलता है मैक्सिमम बहुत दूर जगह पे, सुबह सुबह जलेबी है, यहाँ पे घेवर भी मिलता है, हर मतलब हर दूसरी दुकान छोड़ के अगली दुकान पे आइसक्रीम कोन्स मिलती हैं। तो खाने पीने का सिस्टम यहाँ ठीक है, मुझे तो ठीक लगा, डिसेंट लगा खाना यहाँ का। और यहाँ का खाना या कुछ भी स्नैक्स दूध वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो लोकल मार्केट है यहाँ पे, मैंने बताया था अभी, तो यहाँ पे कपड़े, लड़कियों की टॉप वगैरह भी मिलती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलती है, क्योंकि राजस्थान के लोगों को ज्वेलरी पहनना काफ़ी पसंद है, तो वो भी मिलता है। तो यहाँ आओ तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीदना, यहाँ के लोकल लोगों को हेल्प होती है, उससे उनको मोटिवेशन मिलता है काम करने का। और चाहे ना चाहे हम लोगों को कुछ ना कुछ रोज़गार दे ही देते हैं, क्योंकि हमें कोई रोज़गार देता है तो हम बदले में रोज़गार देते हैं। आज हम आए मैजिक शो देखने, यहाँ पे एक छोटे भैया मिले हमें, कह रहे भैया मैजिक दिखाऊंगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। नक्की लेक पे जादू देखते हैं भाई का कैसा है। ये देखो भैया, दो खाली कटोरी है मैजिक वाली, एक मेरे पास मैजिक की छड़ी, ये बताई नहीं है बतला रहा हूँ, ये रही जमीन पर हथेली पर, थोड़ा माटी लिया बोल दिया लेके आओ, कॉइन आ गए, एक कॉइन है पकड़ लो भैया, कॉइन को खींच कर देखो, सिंगल है कि डबल है। सिंगल है, एक कॉइन है भैया, एक कॉइन है सिंगल है। अब इसके दो बनेंगे भैया, आपकी नज़र में आई बताना दो कैसे बनेंगे, फूक मारेंगे बोलेंगे भैया घुछड़ू, दो हो जाना दो बन जाना भैया, झोले से माटी ले लेंगे देख लो भैया, तीन बार हाथ को घुमाएंगे और दो कॉइन बना देंगे, आपकी नज़र में आई बता देना दो कैसे बनेंगे, बना दूँ? नहीं, नज़र में आया उसने, उससे क्या करा, नीचे से निकाला ये हाथ को देखा, ये हाथ खाली देखा, इसमें कुछ नहीं, पूरा खोल पाँचों, ये भी खाली, अभी एक ही है भैया, वो तो भैया जब ऐसे करा था ना और जो झोले में हाथ डाला तो आपको लगा मैंने कॉइन डाला, कॉइन एक है देखो, एक दो तीन बार ठोकेंगे माटी लगाएंगे, तोड़ के दो कॉइन बना देंगे, ये दो कॉइन है पकड़ लो भैया, कॉइन का ईयर देखो भैया कौन से ईयर का है, ईयर देख के कॉइन कटोरी में डाल दो, डाल दो। ईयर कौन सा है? वो दिया तो था, मैं बम्बई गया था भैया घूमने, वहाँ से कुछ नहीं लाया, तीन हीरोइन पकड़ लाया, नाम सुनो, रवि ना की टनाटन, आलिया की बटाबट, हेमा बांदरी, लाओ भैया कॉइन दे दो मेरा, नहीं है थोड़ा आगे आ जाओ भैया, वो पैर आगे कर दो आपका, यहाँ से भैया थोड़ा जिन से लाओ, ये आ गई, ये देखो मैडम, अभी तक भैया की पुरानी आदत नहीं गई चुराने वाली, ये देखो भैया चोर हो यार आप, क्या करते हो यार। भाई ने दिखाया बहुत तगड़ा मैजिक, मेरी आंखें रह गई चकाचौंध। क्या नाम है तुम्हारा? मुस्कान अली। और कहाँ से भाई? जयपुर। भाई जयपुर से है, देख लो राजस्थान लोगों में टैलेंट, मैं भी राजस्थान में पैदा हुआ भरतपुर में, सन बहुत पुराने, और हम दोनों में एक चीज़ का फ़र्क है कि भाई टैलेंटेड है और मेरे अंदर नौकरी है। मैं रोया नक्की लेक में आप आओगे तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ घूम सकते हो, बोर हो रहे हो व्यू देख के, ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे आके कर सकते हो बोटिंग। तो यहाँ पे बोटिंग करने के अलग अलग चार्जेस हैं, पैडल बोट करने के लिए 200 रुपये पर पर्सन है, शिकारा बोट करनी तो 250 रुपये पर पर्सन है, और यहाँ पे स्पेशल शिकारा है, स्पेशल बोटिंग पैडल बोट बोलते हैं, जिसके लिए भी 400 रुपये देने होंगे, और समय जो मिलेगा हमें करने के लिए वो है आधे घंटे का, बट यहाँ पे थोड़ा मेरे को एक्सपेंसिव लगा, बट चलो देखते हैं करते हैं कि नहीं, लेट्स गो, लेट्स डिसाइड। दोस्तों बताओ क्या करना है? 200 रुपये हैं क्या? 200 रुपये हैं तेरे पास वोटिंग के लिए? नहीं। तेरे पास हैं 200 रुपये? 10 भी नहीं है, समझ गया, मुझे तेरे पास हैं? नहीं मेरे पास हैं, मैं अकेला कैसे करूँगा, ठीक है तुम लोगों को मैं 200 रुपये नहीं देता, वापस चलते हैं। अब है तो हम बैक साइड आए हैं झील के, नक्की लेक के, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप नक्की लेक आ रहे हैं तो वॉक करते हुए जो बैक साइड है नक्की लेक का वहाँ आओ,
एकदम शांति है, बेंच है वहाँ, आराम से बैठो वहाँ पे, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा ये सब सारी चीज़ें हैं और आपको अगर शांति चाहिए पानी के पास, तो ये बैक साइड जो कि आपका हनीमून पॉइंट की तरफ रास्ता जाता है उस साइड से आइए और यहाँ पे थोड़ा अपना वक्त बिताइए शांति। तो अब ये रास्ता बहुत ही सुंदर है, आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे ये वॉन्डर पार्क ऐसे बनाया हुआ है जगह जगह, इतना सुंदर, जो कि राजस्थान के कल्चर को, उसकी हेरिटेज को दर्शाता है। ऊँट है और जैसे हवा महल जैसा बना हुआ है, यहाँ के महल रजवाड़े जैसे बने हुए हैं वैसे कारीगरी में बनाया हुआ है चट्टानों के ऊपर उनको काट के। नक्की लेक देखने के बाद और शांति से टाइम बिताने के बाद हम पहुँचे हैं जो अगला मतलब टूरिस्ट प्लेस है यहाँ का, जो फेमस है वो है हनीमून पॉइंट। ये थोड़ा सा आके आगे है जो नक्की लेक है, उसकी बैक साइड से ही कार का रास्ता है, लोग पैदल भी आते हैं क्योंकि आगे टॉड रॉक है उस तक भी जाते हैं। तो अभी हम आए हैं हनीमून पॉइंट पर और यहाँ पर लंगूर भी हैं, और तो फिर चलते हैं देखते हैं। व्यू पॉइंट के लिए फेमस है ये, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, तो हम भी देखते हैं कि व्यू कैसा है यहाँ से। तो हम पहुँच गए हैं हनीमून पॉइंट, तो छोटा सा ही हल्के से ऊंचाई पे आना है और व्यू देखो आप, पूरा शहर, पानी सब यहाँ से आपको दिख रहा है। तो ये रहा व्यू, मैंने बोला था ना कि मॉनसून में आने को आपको पूरा हरा भरा राजस्थान दिखेगा, इतनी हरियाली है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। यहाँ पे जिप लाइनिंग भी होती है, तो अभी इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होती है, बहुत छोटी सी जिप लाइनिंग है, पर अभी शायद से बारिश का मौसम है तो अभी नहीं हो रही है, तो हमारा बैकग्राउंड ब्लर नहीं है, वो मौसम ऐसा है जो धुंधुंध हो रखा है। तो सबसे ये जो मेरी प्रो टिप है जो कि सबको पता होगी कि आप अगर यहाँ अगस्त जुलाई के टाइम पर आ रहे हैं तो अपना छाता लेकर चलें या फिर रेनकोट, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। माउंट आबू में हम घूम रहे थे, हमने नक्की लेक आपको दिखाया। नक्की लेक के बाद जो सबसे फेमस है माउंट आबू में, जिसका नाम है गुरु शिखर, ये शिखर पर्वत भी इसको बोलते हैं, गुरु शिखर मेन नाम है, आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। और ये नक्की लेक से और कह सकता हूँ माउंट आबू की मेन सिटी से लगभग 15 से 18 किलोमीटर है, लगभग 45 मिनट लगते हैं आने में, और रास्ता बहुत सुंदर है, बारिश के टाइम तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो अभी आपने देखा हम दिखा रहे हैं आपको, और थोड़ा बहुत टूटा फूटा भी है क्योंकि बारिश की वजह से टूट जाते हैं रास्ते। और वहाँ पे आने के बाद आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी, गाड़ी पार्क करने के लिए यहाँ पे पार्किंग होगी एक पॉइंट पे, इससे आगे आप जा नहीं सकते हैं, और पार्किंग के पैसे यहाँ पे 100 रुपये, और 100 रुपये मतलब फिक्स है कि 100 रुपये देने हैं आपका, 1 घंटे जाओ 2 घंटे जाओ। अब उसके बाद हम जा रहे हैं मेन जगह, मेन पॉइंट, व्यू पॉइंट देखने, वो रास्ता ये है, यहाँ पे रास्ते में मार्केट पड़ेगा, देखते हैं कैसा मार्केट है, क्या है आगे और हमारा सफ़र कैसा रहता है, लेट्स गो। गोदी लो मुझे, गोदी लो गोदी लो। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैंने बोल दिया कि चलो जा 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 जा। तो गुरु शिखर जाने के लिए दो रास्ते हैं, मतलब ऊपर जाके टॉप पे मंदिर मिलता है, तो वहाँ पे दो रास्ते हैं, एक रास्ता है सीढ़ियों से जा सकते हैं, 350 स्टेप्स हैं, और दूसरा रास्ता है वन विभाग वाला, जो यहाँ से ट्रैक करके जाएंगे, और ट्रैक करके जाने में थोड़ा सा आपको चार्जेस लगते हैं, 550 रुपये कपल मांग रहे हैं, पर हम 4 लोग हैं तो 4 के भी 550 में रेडी हो गए हैं, और यदि थोड़ा सा इन्होंने खुद ही बोला कि हम 100 पर पर्सन ले लेंगे,
बट अभी क्योंकि बारिश हो रखी है, हो सकता है स्लिपरी हो, मतलब वो मना कर रहे हैं नहीं होगा, बट हमें लग रहा हो सकता है, और ट्रैक करने की कोई इतनी खास इच्छा नहीं हो रही है, तो हम मार्केट वाला रास्ता तय करेंगे जो सीढ़ियों के थ्रू होके जाएगा, और ऊपर जाके देखते हैं कैसा होता है। तो हम सीढ़ियों वाले रास्ते से जा रहे हैं, और मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है ये रास्ता। इसमें व्यूज़ नहीं है, पर शॉपिंग की बहुत सारी चीज़ें हैं, और लड़कियों को शॉपिंग तो पसंद ही है। तो हम जगह जगह रुक रुक के चीज़ें देखते हुए जा रहे हैं, और सोनू ने तो हैट भी ले लिया है। हैटू, चलो घोड़ा निकालो अपना अस्तबल से। तो ये हमने लिए 150 रुपये की हैट, ये काउबॉय हैट है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तो बहुत पसंद आई तो हमने ये ले ली। अभी और कुछ देखते हैं कि क्या पसंद आता है, तो वो लेंगे। तो लगभग 90 स्टेप्स चढ़ने के बाद आएगा ये पहला मंदिर गुरु शिखर पे। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो इसके अंदर अब जो हम हैं दर्शन के लिए जाएंगे, पर ये रास्ता यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। 180 सीढ़ियों के आसपास और सीढ़ियाँ हैं जो कि हमें ऊपर चढ़नी है और मेन व्यू पॉइंट पे जाने के लिए। तो फ़िलहाल तो दर्शन किए बिना हम आगे कैसे जा सकते थे, तो हम यहाँ रुके हैं और जाते हैं दर्शन के लिए। तो इधर फ़ोटो वोटो खींचना मना है, तो बस मैं इतना ही दिखा सकती हूँ। और ये मंदिर जाने का रास्ता है, और यहाँ से आपको दर्शन होंगे, और इसके बाद मैं आपको कैमरा नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि यहाँ से आगे शूट करना मना है। तो हम पहुंच गए हैं गुरु शिखर के शिखर पे, पर शिखर काफ़ी गीला है, बारिश आ रही है बहुत देर से। हमने सोचा वेट करें, बारिश कम हो जाए, पर कम होने का नाम नहीं है। तो फिर इस वजह से हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है, असुविधा के लिए खेद है। व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है, पर धुंध और बारिश होने की वजह से नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है। सब कुछ धुंधला कुछ नहीं दिख रहा भाइयों, तो सब धुंध हो रही है यहाँ पे। तो अब हम आए हैं यहाँ पे, थोड़ी देर इधर देखेंगे, मंदिर है एक, बाहर से दर्शन करेंगे क्योंकि सब गीला हो चुका है। तो हम वापस जाएंगे और फिर निकलते हैं, देखते हैं कुछ खाते पीते हैं और फिर निकलते हैं। अब माउंट आबू से चलने का समय आ चुका है, हमने एक दिन अच्छे से बिताया, और माउंट आबू के लिए एक दिन इनफ है, पूरा एक दिन। अब हमें जाना होगा अपनी नई डेस्टिनेशन, जो कि हम जाएंगे यहाँ से उदयपुर। उदयपुर है यहाँ से लगभग साढ़े तीन घंटे में उदयपुर पहुँच के हम आपको दिखाएंगे सन 2024 में उदयपुर कैसा है। माउंट आबू के जो फेमस प्लेसेस थे वो हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं, और हमारे साथ शायद आपने भी इंजॉय किया है ये हम आशा करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे न्यू है तो क्या करना है, सब्सक्राइब करें। चलो चलें।